अपने करियर के सबसे बुरे दौर में चल रहे शाहरुख खान की एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। फिर बॉलीवुड के बादशाह की गद्दी पाने की कोशिश में लगे शाहरुख इन दिनों काफी सोच समझकर प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। शाहरुख इन दिनों कई सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ बिजी हैं। शाहरुख को रईस का प्रमोशन करना है, द रिंग के शेड्यूल पूरे करने हैं और आनंद एल रॉय की फिल्म की तैयारी शुरू करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, ऐसा तो शाहरुख हमेशा ही करते हैं। तो बात ये है कि इन तीन प्रोजेक्ट्स में से शाहरुख के एक प्रोजेक्ट पर तलवार लटक रही है। सूत्रों पर यकीन करें तो शाहरुख की आनंद एल राय वाली फिल्म मुसीबत में है। दरअसल इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, जो है क्रिसमस 2018, और इसी फिल्म के साथ रिलीज होगी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार का सीक्वल। तो साफ है कि शाहरुख की फिल्म को हॉलीवुड से टक्कर लेनी होगी, वो भी तब जब फिल्म का बजट 150 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। अब शाहरुख फिल्म से पीछे हटते हैं तो उनका करियर और उनकी साख दांव पर लगी है, और अगर टक्कर लेते हैं तो फिल्म को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। अगर रईस और द रिंग अच्छा बिजनेस करती है तो 2018 में शाहरुख की हॉलीवुड से टक्कर देखने को मिल सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।